शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के जो बेशरम रंग सॉन्ग था उसको लेके हमारे देश में कितना ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुआ, यह आप और हम सभी को पता है। लेकिन कल फिर से शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के इसी मूवी से एक नया सॉन्ग आया, झूमे जो पठान। और जैसे ही ये सॉन्ग आया, इस सॉन्ग को भी कंट्रोवर्सी करते हुए लोग नहीं छोड़े। इस सॉन्ग को लेके स्पेशली शाहरुख खान को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। क्या क्या कारण है मैं आपको एक एक करके सारा बताता हूँ। सबसे पहले तो शाहरुख खान का लुक्स को लेके इस गाने में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है शाहरुख खान ने इस सॉन्ग में जो लुक कैरी किया वो छपरी लुक है, अर्थात जो आजकल के जो टिकटॉकर्स है, जो रील्स बनाने वाले जो लोग हैं उनसे कॉपी करने का कोशिश किया जा रहा है, जो लोगों को एकदम नहीं पसंद आ रहा है। दूसरा जो कॉन्ट्रोवर्सी है ये थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल का है। इसमें लोगों का ये कहना है शाहरुख खान ने खुद ही बेशरम रंग सॉन्ग का जो कंट्रोवर्सी था वो क्रिएट किया था, ताकि कंट्रोवर्सी के कारण ये जो सॉन्ग है, ये जो मूवी है, लोगों के बीच प्रचलित हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें। और अगर आप देखिएगा तो इस सॉन्ग में 100 मिलियन से भी ज़्यादा व्यू हो गया। हो सकता है कि लोगों का जो ये आरोप है शाहरुख खान पे, ये कहीं ना कहीं सच हो। तीसरा और आखिरी जो कंट्रोवर्सी है वो ये है लोगों का कि शाहरुख खान जो इस गाने में ऐप्स दिखा रहे, ये फॉल्स ऐप है, ये एडिटिंग के थ्रू दिखाया गया। हालांकि बहुत सारे जो उनके फैंस है, जो सेट में लोग थे, उन्होंने शाहरुख खान के साथ फोटो भी लगाया बाद में, और उसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये शाहरुख खान के सच का ऐप्स थे, मतलब जो शाहरुख खान का बॉडी है वो रियल है। इसको लेकर दोस्तों आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें।